नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास एक टेक्नो का फ़ोन है। टेक्नो का मॉडल मैं दिखाना चाहूँगा आपको, टेक्नो KB2J। ये एक मॉडल है, तो इसकी हम FRP देखेंगे फ्रेंड्स। तो FRP इसकी बहुत ही, तो चलिए दिखाते हैं आपको। स्टार्ट स्किप करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्किप कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे FRP लगा है। तो ये देखिए, यहाँ पे गूगल अकाउंट या तो आप FRP देंगे तब जाके ये होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अगर आप जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें यहाँ पे करके। ये टेक्नो का KB2J है, जो कि मॉडल, जो कि इसमें MediaTek लगा हुआ है। मैं इसमें एक दो तरीके से नहीं होगा, तो मैं सारी चीज़ प्रैक्टिकल वे तौर से वीडियो डालूंगा, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक टेक्नो का फ़ोन था, टेक्नो का फ़ोन हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बात करूँगा, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियो हैं, लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत करेंट मिलेंगे। ये सारे आपसे टेक्निकल लाइन से रिलेटेड वीडियो है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए देर न करते हुए हम UMT को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। UMT डोंगल का MediaTek में वो है, तो UMT डोंगल हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मेरे चैनल में जो भी वीडियो बनते हैं वो सारे वीडियो जेन्युइन होते हैं, कोई भी फेक वीडियो हमारे चैनल में नहीं बनता है। पहले हम UMT से करेंगे, अगर UMT से कोई एरर आता है या UMT से नहीं होता है तो हम इसे एवेंजर से करेंगे, एवेंजर से नहीं होता है तो हम इसे करेंगे मिरेकल से। तो सबसे पहले हम UMT ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ी थोड़ी सब कुछ दिखाएंगे कि किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। तो चलिए टूल एंड FRP पे जाना है, अब यहाँ पे अपना ब्रांड लेना है। ब्रांड हमारा टेक्नो का है फ्रेंड्स, टेक्नो देख लेते हैं, टेक्नो, ये हमारा टेक्नो मिल गया। अब इसमें जो भी मॉडल है हमारा मॉडल ले लेंगे, तो इसमें मॉडल है हमारा KB2J नहीं है, तो चलिए KB2 ले लेते हैं। अब उसके बाद हमें सिर्फ इस पर FRP रिसेट पे क्लिक करना है। अब फ़ोन को कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको 30 सेकंड के अंदर फ़ोन को कनेक्ट करना है। मैं डायरेक्टली फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया है और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको डिवाइस मैनेजर भी दिखा सकते थे और मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया है फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया है। अनेबल टू रेड और FRP रिसेट डन हमारी हो चुकी है बहुत ही सिंपली तरीके से। पहले मतलब फ्रेंड्स, हमेशा हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनती, जैसा कि हमने पहले ही बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं FRP रिसेट डन हो चुका है, FRP रिसेट डन हो गया है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कोई भी की प्रेस इसमें नहीं किया था, सिंपली फ़ोन को प्रॉपर ऑफ करना है आपको और आपको केवल USB केबल कनेक्ट करना है, कोई भी की प्रेस नहीं करना है। तो इसमें जो VCOM प्रीलोडर हमारा जो पोर्ट बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं VCOM प्रीलोडर पोर्ट हमारा बनाया था। ब्राउन मोड, आप ब्राउन मोड कनेक्ट का मतलब आपको डायरेक्ट लगाना होता है, कोई भी की प्रेस नहीं करना होता है। तो चलिए अपने देखते हैं हमारा फ़ोन जो FRP रिमूव हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि बहुत ही सिंपली तरीके से हमारी FRP रिमूव हो गई है, मैं भी स्क्रीन पे हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये फ़ोन, ये वही फ़ोन है जो कि हमने आपको फ़ोन दिखाया हुआ था फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होकर आपको दिखाएंगे कि इसकी FRP एक्चुअल में रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, स्किप करेंगे फ्रेंड्स। अब स्किप करने के बाद यहाँ पे जो आपका गूगल अकाउंट होगा वो स्किप हो जाएगा, मतलब गूगल अकाउंट आपका नहीं मांगेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टअप पे आते हैं। चलिए वो चेकिंग डिवाइस, क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा नेट कनेक्ट है, इसलिए वो चेकिंग डिवाइस कर रहा है। और चलिए देखिए, तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि आपको जो दिखाना था, यहाँ पे देखिए स्किप का बटन आ चुका है और ये स्किप कर देंगे तो आपका 100% फ्रेंड्स ये जॉब डन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से UMT के माध्यम से रिमूव हो चुका है।
तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आप बने रहेंगे तो हम आपको और भी जो भी लेटेस्ट लेटेस्ट हैंडफोन होगा हम आपके लिए लाएंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको दिखाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका होता है मेरे बताने का। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये FRP रिमूव हो चुका है। तो इसे भी नेक्स्ट करेंगे, ये अपना सेलेक्ट कंट्री तो हम इंडिया ले लेंगे फ्रेंड्स, इंडिया। मैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, मैं लास्ट तक वीडियो को दिखाता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन बस ऑन होने वाला है, तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है 110%। हमारा फ़ोन बहुत ही सिंपल ट्रिक से ये ऑन हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये वही फ़ोन था जो कि हमने आपको दिखाया था फ्रेंड्स।